बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएसटी ग्रेड 6, ओपन वर्कबुक पेज 50। टुडे द टॉपिक इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मीन चूने का पत्थर। इट इज द मोस्ट कॉमन रॉक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये बहुत आसानी के साथ हमें मिल जाता है। इट इज फाउंड इन द सॉल्ट रेंज, द फुटवार प्लेटू, फुटवार प्लेटू में सॉल्ट रेंज में, एंड द मारगला हिल्स एंड मच ऑफ बलूचिस्तान। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी हमें मिलता है। टू नेम ओनली ए फ्यू प्लेसेस लाइक अटक, रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, होशियार, मियांवाली। इसके अलावा और भी कई जगहों पर हमें आसानी के साथ दस्तियाब होता है। लाइम स्टोन इज द मेन रॉ मटीरियल फॉर मेकिंग सीमेंट एंड देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। सीमेंट जो आजकल हर जगह और हर एक चीज में जितनी भी तामीराती काम होते हैं, सीमेंट उसमें मस्ट यूज होता है। और सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल कौन सा है हमारे पास? मेन रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इज लाइमस्टोन। इसीलिए जितनी सीमेंट की इंपॉर्टेंस है, उतनी ही ज्यादा लाइमस्टोन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। सीमेंट इज वाइटल फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन में तामीराती काम, जितनी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, चाहे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, इंडस्ट्रीज है, घर है, उसमें सीमेंट मस्ट यूज होता है। वाइटल वाइटल मीन इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। कैनाल आल्सो लाइन, कैनाल हम नहरों की बात करते हैं, विथ कंक्रीट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर दैट सॉक्स। सॉक्स मीन जजब, जजब पानी को जजब कर देना इन टू द सॉइल। सॉइल मीन मट्टी। कैनाल्स के लिए सीमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा है? क्योंकि अगर हम कैनाल्स की लाइंस को, इनके साइड्स को पुख्ता नहीं करेंगे तो जो पानी है वो इर्द गिर्द की जमीन उसको जजब कर लेती है। इसीलिए कैनाल्स को डिवेलप करने के लिए हमें उनको लाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए सीमेंट का इस्तेमाल मस्ट होता है। पाउडर लाइमस्टोन इज आल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि लाइमस्टोन हमारे पास रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट है, ये हमारे पास एज अ फर्टिलाइजर, एज अ खाद भी इस्तेमाल होता है। पाउडर लाइमस्टोन मेकिंग सीमेंट। अब इसमें जिस तरह हम देखते हैं कि जितनी भी तामीराती काम है उसमें सीमेंट का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। अब ये कैसे बनता है, हम इसमें ये प्रोसेस पढ़ेंगे। मेकिंग सीमेंट यानी सीमेंट का बनना, दैट इज द पिक्चर्स ऑफ लाइमस्टोन। दिस इज द अनदर पिक्चर, बुक पेज नंबर 50। Although the raw material for cement are cheap, cheap means sasta, and plentiful, plentiful means wafer meqdar mein milna, yani bahut zyada hamare mulk mein iski jo hai kasrat se limestone paya jata hai. Its manufacture, manufacture means cement ka banna, needs huge amount of heat. मगर जब रॉ मटेरियल से सीमेंट बनता है, इस प्रोसेस के दौरान हमें बहुत ज्यादा हीट यानी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगरचे हमारे मुल्क में इसके लिए जितनी भी रॉ मटेरियल है वो बहुत आसानी के साथ अवेलेबल है। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मीन खुशकिस्मती से, द नेचुरल गैस ऑफ द कंट्री प्रोवाइड्स मच ऑफ दिस। अगरचे एनर्जी की जरूरत हम कुदरती गैस से पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए और भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना होता है। ब्रोकन लाइमस्टोन इज फुट इनटू द टॉप ऑफ अ ह्यूज टिल्टेड, टिल्टेड मीन झुका हुआ स्टील ट्यूब। सीमेंट के लिए आपने सबसे पहले क्या देखना होता है कि इसकी जो ट्यूब होता है अप टू 200 मीटर्स लॉन्ग एंड 6 मीटर्स वाइड, वो ट्यूब्स टिल्टेड होता है और उसकी जो लंबाई होती है वो 200 मीटर्स होती है और चौड़ाई उसकी 600 मीटर्स होती है। तो उसमें ब्रोकन लाइमस्टोन यानी लाइमस्टोन को थोड़ा सा तोड़ दिया जाता है और फिर उस ट्यूब में डाल दिया जाता है। द ट्यूब टर्न्स राउंड वेरी स्लोली। ये ट्यूब जिसमें लाइमस्टोन को डाल दिया जाता है, ब्रोकन लाइमस्टोन में स्लोली मोड़ता रहता है, स्लोली इसको मतलब चेंज किया जाता है, मोड़ता ही रहता है। एंड द सेम टाइम अ वेरी हॉट फ्लेम रशेस, रशेस मीन तेजी के साथ उस पर छोड़ देना, अप फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इन द इंटेंस हीट। इंटेंस मीन बहुत ज्यादा शदीद, और फिर
जो हमारे पास क्यूब है उसके आखिरी सिरे में उस पे आग का एक शोला तेजी के साथ छोड़ दिया जाता है और बहुत ज्यादा शदीद हरारत के साथ या तपिश के साथ द लाइमस्टोन टर्न्स इनटू लम्प्स ऑफ रॉक व्हिच विल बिकम सेमेंट। तो जो ब्रोकन लाइमस्टोन होते हैं वो बहुत ज्यादा हरारत की वजह से तपिश की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। लम्प्स ऑफ रॉक मीन छोटे छोटे पीसेस में तब्दील हो जाना। When these rocks reach to the bottom of the tube, और जब वो rocks, lumps of rocks, tube के आखिर में पहुंचते हैं, they are ground to a powder between huge steel rollers. तो बोरी में डालने से पहले स्टील बड़े बड़े स्टील रोलर से उनको पाउडर की तरह पीसा जाता है। This is cement. और ये बिल्कुल हमारे पास सीमेंट बन जाता है। इट इज क्विकली प्लेस्ड इन थिक थिक मीन मोटा पेपर सैक्स, सैक्स मीन बोरिया, बिकॉज इफ इट गेट्स विट, विट मीन नम हो जाना, इट विल बी स्पॉइल्ड एज इट विल बी हार्डन। अगर इनको फौरन बोरियो में ना डाला जाए तो फिर ये क्या हो जाता है, या अगर इसे नमी पहुंच गई तो ये हार्ड हो जाएगा, ये सख्त हो जाएगा, और सख्त होने के बाद ये खराब हो जाता है जो फिर किसी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। स्पॉइल्ड मीन खराब हो जाना। आप बुक पेज 51 पे इस ग्राफ को भी देख सकते हैं कि एक ट्यूब है, इसमें ब्रोकन लाइमस्टोन को डाल दिया जाता है, फिर इसके आखिरी सिरे पर उसे एक आग का शोला दे दिया जाता है जो उसको लम्प्स ऑफ रॉक में तब्दील कर देता है। बोरे में डालने से पहले उसको स्टील रोलर से पीसा जाता है जो आखिर में सीमेंट बन जाता है, और बोरियों में पैक करने के बाद फिर इसे सप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर हम किसे कहते हैं, खाद को कहते हैं। अमूमन हमारे पास फर्टिलाइजर की दो किस्में होती है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जो कि एनिमल वेस्ट होता है, जो कुदरती होता है। दूसरा हमारे पास जो फर्टिलाइजर है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए मुख्तलिफ रॉ मटीरियल से बना दिया जाता है। फर्टिलाइजर्स की अहमियत क्यों इतनी ज्यादा है, क्योंकि हम बेसिकली एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए हमें फर्टिलाइजर पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि फर्टिलाइजर हमारी जो लैंड है उसके फर्टिलिटी को इन्हेंस करता है और हमारे जो पास प्रोडक्ट्स है वो फिर उनकी अच्छी तादाद हमें या वाफर मकदार में हमें मिल जाती है। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर इन फार्मिंग खेतों में हैज राइजन फ्रॉम 14,000 टन्स इन 1959 to almost 37 lakh tons in 2007। जबकि 2007 में ही इंक्रीज हो गया है 37 लैख तक, ऑफ विच 8 लैख टन्स वर इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड का मतलब है दूसरे ममालिक से खरीद लेना। फर्टिलाइजर्स जो 37 लैख तक इसकी जो जरूरत है वो बढ़ चुकी है, उसमें से 8 लैख टन हम दूसरे ममालिक से खरीदते हैं। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से मेनी ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। फर्टिलाइजर्स के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमारे मुल्क के अंदर अवेलेबल है, लाइक जिप्सम, कोल, गैस। वो गैस इसमें एक इंग्रेडिएंट तो नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर जब बनाया जाता है तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान जब इसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो एनर्जी हम गैस से पूरा करते हैं। इसका मतलब है लम्प्स ऑफ रॉक्स का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाना। द वर्ड लम्प्स मीन अ स्मॉल सॉलिड मास विदाउट डेफिनेट शेप, मीन के बस इसके छोटे छोटे पीसेस बना दिए जाते हैं लाइमस्टोन्स के, जो लम्प्स ऑफ रॉक्स के बाद फिर उसे स्टीलर्स में डाल दिया जाता है पाउडर बनाने के लिए, एंड सिंपल पीसेस ऑफ द रॉक्स।
आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की जरूरत क्यों बढ़ गई है, क्योंकि हम बेसिकली एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान में फर्टिलाइजर्स के लिए जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल है। इवन सो लार्ज अमाउंट स्टिल हैव टू बी इम्पोर्टेड, लेकिन रॉ मटेरियल मौजूद होने के बावजूद भी हम फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज को इतना डिवेलप नहीं कर सके जितना कि फर्टिलाइजर्स हमारे मुल्क के लिए जरूरी है। इसीलिए फर्टिलाइजर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें मजबूरन दूसरे ममालिक से फिर खरीदना पड़ता है। 6 million rupees worth mean the price or कीमत of insecticide, insecticides का मतलब है कीड़ी मार अद्वियात, was also imported to protect the crops. क्रॉप्स में फसलों को कीड़ों के हमलों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यानी कीड़े मार अद्वियात की जरूरत पड़ती है, जो कि हम दूसरे ममालिक से खरीदने पर मजबूर है, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी इसके लिए इतने खास काम नहीं हो सका है। पर्टिकुलरली कॉटन फ्रॉम डैमेज ऑफ पेस्ट, पेस्ट भी कीड़े, क्योंकि कॉटन हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप है, इसीलिए कॉटन को कीड़ों से, कॉटन के फसल को कीड़ों से महफूज रखने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती है और फिर हमें ये दूसरे ममालिक से खरीदना पड़ती है। मेटल्स, मेटल्स मीन दाग। अब दिस इज द पिक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, यू कैन सी। द नेक्स्ट टॉपिक इज metals. Metals mean that Pakistan does not have large amounts of metallic ore. Ore हमारे पास जो pure form में, यानी जिस हालत में हम जो हमारे पास minerals है, जिस हालत में हम निकाल लेते हैं उसको ores कहते हैं। अब पाकिस्तान में जो metallic ores है वो इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है या इतनी ज्यादा उसकी मकदार नहीं है। There is some iron, अगरचे iron या लोहे की हमारे मुल्क में थोड़ी बहुत हमारे मुल्क में ये निकाल दिया जाता है, but it is generally of low quality, लेकिन उसकी जो quality है वो इतनी अच्छी नहीं हो, वो इतनी उमदा quality की नहीं होती, क्योंकि हम irons और metals हमारे industries को develop करने के लिए भी आगे इनसे machineries भी बनाए जाते हैं, इसके अलावा हम जितनी भी कंस्ट्रक्शन है उसमें भी हम जो मेटल्स है या आयरन है उसको इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके लिए आयरन का अच्छी क्वालिटी में होना जरूरी है। लेस देन 33% ऑफ द ओर इज मेटल, जो ओर हम निकाल लेते हैं, जो दाग हम निकाल लेते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 33% हमारे पास मेटल होता है, बाकी किसी खास काम की नहीं होता या बाकी वो किसी खास इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। सो देट इट इज नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग फाइन स्टील, फाइन स्टील उमदा स्टील, विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मौजूदा दौर में जिसमें इंडस्ट्रीज ज्यादा डिवेलप हो रही है, इंडस्ट्रीज को डिवेलप करने के लिए हमारे पास मशीनरीज और इन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आयरन और स्टील का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बदकिस्मत के लिए पाकिस्तान में जो हम आयरन निकालते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 33% किसी काबिल होता है, लेकिन वो भी सिर्फ मेटल होता है। There are small amounts of better quality ore in the north, not far from Chatral, far being dual, but it is not being seriously mined. Mined means कंसनी कर देना, यानी उनको निकाल के किसी इस्तेमाल के काबिल बना देना। पाकिस्तान में जो शमाल में चतरा से ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पर हमारे पास मेटल्स के कान पाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन पर, उनकी कानकिरी पर या उनकी माइनिंग पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई है। अगर तवज्जो दे दी जाए तो फिर हमारे मुल्क में जो मेटल्स है, जो स्टील्स है, उसकी काफी मकदार में अवेलेबिलिटी हो सकता है। स्टील मीनिंग उमदा स्टील, उमदा स्टील इंग्रेडिएंट्स मीन अज्जा। पेज नंबर 52, दैट इज मेटल्स, दैट इज द पिक्चर ऑफ मेटल्स। देयर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंगनीज, कॉपर हमारे पास तांबा है, पीतल है, और जो मैंगनीज है ये भी हमारे पास एक किस्म की धातु है।
विच इज यूज इन मेकिंग स्टील, जो स्टील बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. Quite large deposit. Deposits means zahir or bauxite. Bauxite भी हमारे पास रॉक की एक किस्म है, पत्थर की एक किस्म है, which is made into aluminium. इसमें से मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ. That is aluminium. That is the picture of aluminium. That is bauxite. The picture of bauxite, manganese, and that is copper. इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्टील. It is said that steel and cement are of two of the most important products in the modern world. मौजूदा दौर में, जदीद दुनिया में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, इसमें जो स्टील और सीमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि सीमेंट जितनी भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जितनी भी तामीराती काम होते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, इंडस्ट्रीज है, उसके लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा इमारतों के लिए और मशीनरीज के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, वो स्टील की पड़ती है. स्टील आर गुड्स मेड फ्रॉम स्टील, सच एज स्टील या उससे बनी हुई अशिया, सच एज व्हीकल्स, मीन गाड़िया, ट्रांसपोर्ट आइटम्स. ट्रांसपोर्ट आइटम्स मीन हमारे पास गाड़िया है, जिस तरह बाय रोड होती है, बाइक्स हो गए, गाड़िया हो गए, मोटर्स हो गए, बाय एयर्स भी है, जैसे एरोप्लेन्स, हेलीज एंड मशीनरी. मशीनरी भी हम किस से बनाते हैं, स्टील से बनाते हैं, आयरन से बनाते हैं. From 28% of Pakistan imports, Pakistan की जो imports है उसमें से 28% steel पे मुश्तमिल है. Page 52, student, I have told you, page 52. Steel is made by blowing air through molten iron. जो हमारे पास iron होता है उनको जब पिघलाया जाता है उसी दौरान इससे steel भी बनाया जाता है. So that the impurities are burned out in great sheets of flame. और जब इनको melt किया जाता है iron को, तो इस दौरान heats की वजह से आग, शोलों की वजह से, आग की वजह से, इससे जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज मीन आलूदगी या मैल वगैरह जो इसके साथ लगा होता है, उसका खात्मा कर दिया जाता है. द आयरन ओर एंड कोल फाउंड इन पाकिस्तान आर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग स्टील. जैसे आपसे मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान में जो आयरन या स्टील मिलता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है. सो ऑल ऑफ द रॉ मटीरियल्स आर इम्पोर्टेड. इसीलिए फिर हमें इसके लिए जितनी भी रॉ मटेरियल होते हैं वो दूसरे खरीदना पड़ते हैं. एट कराची देयर इज अ जायंट, जायंट मीन बहुत बड़ा, स्टील प्लांट. स्टील प्लांट से मतलब है इंडस्ट्री, कवरिंग 600 हेक्टर्स. हेक्टर इज द यूनिट ऑफ, यूनिट टू मेजर द लैंड, विद हंड्रेड्स मोर हेक्टर्स ऑल अराउंड फॉर द आर अराउंड फॉर फैक्ट्रीज. फैक्ट्रियों के चारों तरफ सैकड़ों हेक्टर के साथ जो कराची स्टील मिल है ये 600 हेक्टर्स के एरिया पे फैला हुआ है. अब मैं आपको समझाती हूँ. देखिए कि जो यूनिट है हमारे पास, एक किनाल कितनी पर मुश्तमिल होता है, 20 मरला, यानी 20 मरला मुश्तमिल होता है या एक कैनाल पर. फिर जब चार कैनाल बन जाते हैं ये हमारे पास एक जीरब बन जाता है. फिर जो दो जीरब होते हैं वो बराबर होते हैं एक एकड़ के. अब जो हेक्टर है ये हमारे पास 2.5 जीरब होता है, मीन के दो जीरब. और जो हमारे पास 40 कैनाल्स होते हैं ये बराबर है हमारे पास हेक्टर का. दैट इज द यूनिट टू मेजर द लैंड विच डिपेंड ऑन स्टील. ये जो कराची स्टील प्लांट है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, स्टील पे करता है. यहाँ पर क्या क्या बनाई जाती है, पाइप्स, जो पाइप्स होती है, जो गर्डर्स होते हैं, गर्डर शेहतर, स्टील बीम which is used in construction, like bars हो गए, इस तरह जो girders होते हैं जो construction में use होते हैं, जो pipes होते हैं, parts for the vehicles, इसके अलावा जो गाड़ियों के parts होते हैं ये भी यहाँ पर बनाए जाते हैं. The Karachi steel complex produces more than a million tons of steel a year.
टेक्सिला. इसके अलावा टेक्सिला में एक और बड़ी फैक्ट्री है स्टील की, सेट अप विद द चाइनीज असिस्टेंस. असिस्टेंस मीन मदद. जो कि जो दूसरी हमारे पास फैक्ट्री है वो चाइनीज या चाइना की असिस्टेंस की वजह से, मदद की वजह से बनी हुई है. नोट योर होमवर्क स्टूडेंट्स, डू रीडिंग ऑफ पेज 50 एंड 51, 52. That is your home. Kal inshallah milenge.